नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट बुलेटिन में। आज दोस्तों बात करते हैं कि क्रिकेट जगत के 6 सबसे लंबे कद के गेंदबाज कौन है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूंगा। अब दोस्तों बात करते हैं जॉयन गार्नर। क्रिकेट दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है क्रिकेट। इस खेल में लंबे कद या छोटे कद नहीं, बल्कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन आधार पर शामिल किया जाता है। क्रिकेट के इतिहास में ऐसे अनेक खिलाड़ी हैं जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। आज के इस पोस्ट में हम इस 6 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट इतिहास के 6 सबसे लंबे कद के खिलाड़ी मोहम्मद इरफान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। इरफान की हाइट 7 फीट 1 इंच है। 37 वर्षीय मोहम्मद इरफान पाकिस्तान टीम के शानदार गेंदबाज है। मोहम्मद इरफान ने अभी तक के क्रिकेट करियर में 4 टेस्ट और 60 वनडे और 20 T20 मुकाबले खेले हैं। दोस्तों दूसरे गेंदबाज की बात करें तो जॉयन गार्नर। तो जॉयन गार्नर विंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज थे जिनकी हाइट 6 फीट 8 इंच है। जॉयल ने 1970 से 80 के दशक में विंडीज के लिए 58 टेस्ट और 98 वनडे मैच खेले हैं। उन्होंने अपने करियर में टेस्ट में 259 और वनडे में 146 विकेट लिए हैं। ब्रूस रीड जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बाएं हाथ के गेंदबाज है, इनकी हाइट 6 फीट 8 इंच है। ब्रूस रीड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 1985 से 1992 तक 27 टेस्ट मैच और 61 वनडे मैच खेले हैं। ब्रूस रीड ने अपने क्रिकेट करियर में 113 टेस्ट विकेट लिए हैं और 63 वनडे में विकेट लिए हैं। स्टीवन फिन इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाज है और फिन की हाइट 6 फीट 7 इंच है। स्टीवन फिन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 2010 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। फिन ने अपने क्रिकेट करियर में 36 टेस्ट 59 वनडे और 21 T20 मैच खेले हैं। सुलेमान बेन तो वेस्टइंडीज के स्पिनर सुलेमान बेन 1999 से 2000 में अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। बेन की हाइट 6 फीट 7 इंच है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 26 टेस्ट 45 वनडे और 24 T20 मैच खेले हैं। पीटर जॉर्ज तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज पीटर जॉर्ज की लंबाई 6 फुट 8 इंच है। पीटर जॉर्ज ने ऑस्ट्रेलिया के लिए एकमात्र टेस्ट मैच खेला है, इसके बाद उनकी टीम में वापसी नहीं हुई है। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब